मैंने सोचा क्यों ना टाइगर फीमेल लेके आई जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम नुमान हसन है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि रोकी अकेला हो चुका हुआ है और अब ये अकेला रह रहा है, ये बड़ा बोर होता है, ये बड़ा उदास है अकेले होने की वजह से। तो मैंने आपको बताया था कि मैं अब इसके लिए कोई ना कोई पार्टनर लेके आऊँगा जिससे इसका दिल लगा रहे और ये अपनी जो यहाँ पर लाइफ है वो हंसी खुशी जो है गुजारे। अब रोकी भी पीछे से बोल भी रहा, कह रहा मुझे बाहर निकालो, लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले भी थोड़ी देर बाद इसको मैं निकालूंगा बाहर। तो बड़ा मैंने सोचा इसके लिए क्या चीज़ लाई जाए जिससे इसका दिल लगा रहे। तो बड़ा सोचने के बाद मैंने सोचा क्यों ना टाइगर फीमेल लेके आई जाए, क्योंकि ये टाइगर मेल है तो इसके लिए टाइगर फीमेल लाई जाए ताकि इनका पेयर भी बन जाए और अगर ये साथ रहते हैं बड़े होकर ब्रीडिंग भी कर सकें। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं टाइगर की फ़ीमेल लेके आता हूँ। तो जो टाइगर की फ़ीमेल मैं लेके आया हूँ तो आपको मैं इस वीडियो के एंड पे शो करवाऊँगा। अभी जो है फ़िलहाल मैं पहले टाइगर को खोलूँ, पहले इसका थोड़ा सा मूड सेट करूँ, फिर इसको जो है ना इसकी फ़ीमेल इसके सामने मैं खोलूँगा और ताकि ये जो है बाइक ओपन देख के फ़ीमेल को खुश हो। तो इसलिए पहले मैं इसको खोलता हूँ। अभी इसको मैं तो अभी खोलने लगा हूँ, सबसे पहले मेरे हाथ में ये फीडर है, इसको मैं फीडर पिलाऊँगा, ये देखेंगे कितना खुश हो गया फीडर देख के। तो उसके बाद फिर मैं इसको जो है ना इसका भी सरप्राइज़ है और आप लोगों का भी जो सरप्राइज़ है वो इस वीडियो के एंड में शो करूँगा। पहले इसके साथ मैं थोड़ा सा खेल लूँ और इसको दूध पिला दूँ। चल आ जा, रोकी आराम से आराम से आराम से, ये ले बेटा आराम से पीते हैं, ये लो पियो। ये रोकी जी भाग गया हुआ है, लगता है इसका दूध पीने का मूड नहीं है। अभी फिर इसको मैं ट्राई करता हूँ, आ जा रोकी आराम से आराम से, रोकी ये ले दूध पी, रोकी ये ले पी ले रोकी आराम से। ये जी रोकी एज के साथ साथ बड़ा हो गया और ये मुझे बड़ा तंग करने लग गया है, ये अब आप देख सकते हैं कितना मुझे तंग कर रहा है और मेरे लिए संभालना भी कितना मुश्किल है। ये इसी तरह से इसने मेरी काफ़ी ज़्यादा शर्ट खराब की हुई है, अभी भी ये चाह रहा है मैं शर्ट फाड़ दूँ। चले दूध पी, चल इसको आज लगता है दूध का टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, थोड़ा सा पी तो रहा है, अब पीना स्टार्ट कर दिया इसने। चलो ख़त्म करो रोकी, रोके जी दूध बड़े नखरे से पीता है, थोड़ा सा पीता है उसके बाद छोड़ देता है, फिर भाग के आता है थोड़ा सा खेलता है, फिर उसके बाद दोबारा से दूध पीता आके। तो इसको दूध पिलाना थोड़ा मुश्किल है, वैसे शेर आमतौर पे इतना तंग नहीं करते दूध पीते वक्त, लेकिन ये रोकी थोड़ा सा बड़ा हो गया हुआ है तो इसलिए इतना दूध में इंटरेस्टेड नहीं होता, ये कहता बस मुझे गोश्त ही खाना है, तो इसलिए दूध इसको भी इतना पसंद नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश है मैं इसको बड़े होते तक दूध पिलाता रहूँ। रोकी ना चले ये जी, मैंने आपको बताया ये बड़े नखरे करके पीता है, घूम के आता है फिर थोड़े से दूध पीता है, उसके बाद फिर गायब हो जाता है, फिर खेलता है, फिर जख्म। अब ये देखें थोड़ा सा इसने चख लिया, फिर ये इसका मूड होगा कि मैं थोड़ा सा घूम के आऊँ और फिर पीऊँ। रोकी दूध पियो पहले, चलो नखरे ना करो। ये आप देख सकते हैं ये बड़ा एक्टिव हो चुका हुआ है और बड़ा बाहर आके खुश होता है, क्योंकि अंदर तो अकेला उदास होता रहता है, तो जब ये बाहर खुलता है तो ये बड़ा खुश हो जाता है। ये रोकी मुझे ना तंग बहुत ज़्यादा कर रहा था तो मुझे मजबूरन इसको बांधना पड़ा, इससे पहले कि ये मेरी शर्ट फाड़ता तो इसलिए फिर मैंने इसको बांध दिया, क्योंकि ये मेरे इसने ज़ख्म भी किए हैं काफ़ी ज़्यादा हाथ पे अभी, और तंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, मेरे पास से बाहर हो रहा था, मुझे सांस भी चढ़ा रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको बांध दिया हुआ है। तो अब मेरे ख्याल से ज़्यादा इंतज़ार आपको भी नहीं करवाना चाहिए और रोकी को भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, तो जो इसके लिए सरप्राइज़ मैं लेके आया हूँ वो इसको शो करवा देना चाहिए। तो अब चलते हैं उसके पास। ये जी टाइगर का जो फीमेल कब है वो मैं ले आया हूँ, और रोकी देखें चारों तरफ से देख रहा है कि कोई रास्ता खुला है तो मैं इसके पास जाऊँ। तो रोकी को भी मेरे ख्याल से पसंद आया इसका सरप्राइज, और देखें वो कितना रोकी नो रोकी जो है ना हर चीज़ रोकी से बचानी पड़ती है। अभी मेरे ख्याल से इसको सही तरह से नहीं पता कि इसके अंदर जो है एक टाइगर कब है, ये ऊपर से ही फिलहाल तो इंजॉय कर रहा है इसको। रोकी पीछे देखो, ये जी फाइनली मैं इसको खोलने लगा हूँ और मैं देखता हूँ कि रोकी इसको देख के खुश होता है कि नहीं। रोकी तो फिलहाल जो है ना
नौ रोकी, नौ रोकी वाइट नहीं करते। तो रोकी जो है ना फिलहाल तो ऊपर चढ़ गया हुआ है और पता नहीं क्या करना चाह रहा है। रोकी नौ, रोकी नौ यार, कभी तो आराम से मुझे बैठने दिया करो। चलो अब मैं खोलने लगा, रोकी पीछे हो जाओ ना, रोकी खोलने दो मुझे। रोकी पता नहीं क्या कर रहा, खोलने नहीं दे रहा, शायद इसको इसका सरप्राइज नहीं पसंद आया तो इसलिए खोलने नहीं दे रहा मुझे। रोकी यार चल पीछे उतरो। ये जी फाइनली मैं खोलने लगा हूँ फिर। चलो आ जाओ बाहर। ये जी टाइगर कब जो है फीमेल टाइगर कब। रोकी नो, अभी नहीं रोकी, नो रोकी। रोकी जी बड़ा है एज में तो ये छोटा है, अभी टाइगर फीमेल कब जो है ये छोटा है तो इसे थोड़ा सा अटैचमेंट करवानी पड़ेगी। एकदम से छोड़ें तो ये लड़ते हैं, इन्होंने इवन लड़ना स्टार्ट भी कर दिया तो इसलिए ज़रा मैं इनको अभी अलहदा ही कर दूँगा क्योंकि ये इससे ज़्यादा, इससे पहले कि एक दूसरे को ज़्यादा नुकसान करें तो इनको मैं थोड़ा दूर कर दूँ। रोकी पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ, छोटा जो है। रोकी नो, रोकी ये देखें इन्होंने एक दूसरे साथ यहाँ तो खेल रहे हैं यहाँ ये लड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं क्योंकि कभी ये बाइट करते हैं और कभी ये प्यार से खेलते हैं। तो इस वक्त तक तो मुझे नहीं समझ आ रहा, अगर आपको समझ आ रहा तो मुझे बताएं ये क्या कर रहे हैं। तो आदमी रोकी ना मारो उसे, छोटा छोटी आपसे। ये जी ये रोकी उसको बड़ा बाइट कर रहा है तो मेरे ख्याल से मैं इसको लहदा ही बंद करूं। अभी मैं तीन चार दिन जब रोकी के आमने सामने रखूंगा, मतलब रोकी के साथ नहीं रखूंगा लेकिन रोकी के सामने रखूंगा तो रोकी मेरे ख्याल से इससे दोस्ती कर लेगा और फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। रोकी नो, रोकी रोकी इसको ज़ोर से बाइट कर रहा, मुझे इसको बचाना पड़ेगा, छोटे छोटे बदमाश को बड़े बदमाश से मुझे बचाना पड़ेगा। तो अभी इसको मेरे ख्याल से मैं अंदर बंद करता हूँ, रोकी को बाहर ही रहने देता हूँ क्योंकि ये तो बेचारा शरीफ है छोटा और बड़ा तो बदमाशी कर रहा है इसके साथ, इसलिए मैं जो है ना इसको बंद करता हूँ केज के अंदर। रोकी को चलो अंदर, चलो अंदर से एक दूसरे को देखो, अब सुकून हुआ है इनको क्योंकि पहले ये लड़ी जा रहे थे और अब जो है ना अब थोड़ा सा इनको सुकून हो गया हुआ। अब उसको अपनी नई जगह मेरे ख्याल से पसंद आ गई है, वो विजिट कर रहा है कि मेरी जो नई जगह कैसी है। ये अब अंदर से भी लड़ना चाह रहे हैं, ये देखें। ये मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूं कि जब भी टाइगर्स या लायंस एकदम से छोड़ो तो वो हमेशा लड़ते ही हैं, तो इसलिए असूलन ये बनता है कि जब भी आप कोई नया टाइगर या लायन लेके आ रहे हैं तो उसको एकदम से साथ ना छोड़ें, उसको आमने सामने पिंजरे में रखें, अगर आपके सामने पिंजरा है उसमें रखें, उसके बाद जब ये अटैच हो जाएंगे तो फिर आपने इनको इकट्ठा करना है। फिर भी ये लड़ेंगे ज़रूर लेकिन ये है कि कम लड़ेंगे, अगर आप एकदम से छोड़ेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा लड़ेंगे, इवन ये एक दूसरे को मार भी सकते हैं, मतलब एक शेर बीच में से मर भी सकता है। तो जो ताकतवर होगा जाहिर सी बात है वो बच जाएगा और जो कमज़ोर होगा वो मर जाएगा, तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो जी उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोकी को भी इसका सरप्राइज़ पसंद आया होगा। तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि मैं इस फीमेल कब का नाम क्या रखूं। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।